अश्विनी वो हाँ गुड मॉर्निंग वो एंकर को मेरे केबिन में भेजना ओके सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो सर इधर आ जरा यहाँ पूरा ऑफिस मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है हाँ. तुम क्या सुपरस्टार हो चलो गुड मॉर्निंग बोलो मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर मुंह में छाले पड़े आई एम सॉरी थैंक यू सर एक मिनट सर अगर तुम्हारे मुंह में छाले पड़े हैं तो ये कैसे बोल दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े चलो गुड मॉर्निंग बोलो कमान कमान सच बोलने में कैसा शर्माना सर अभी ये सच बोलने वाली बात किधर से आ गई गुड मॉर्निंग बोलने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कमान से गुड मॉर्निंग देखो सुबह सुबह मेरे दिमाग को गर्म नहीं करेगा मैंने कहा ना आपसे मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर सर क्या बात है अरे देखो ना ये बोल रहे देखो ना नैना मैंने सर से कह दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े हैं उसके बाद भी मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए बोल रहे हैं अब देखो तुम दुनिया की चटर पटर कर रहे हो लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने में तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाउ कम ऑन अब से गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड अब बोलो मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी वेरी गुड अब एक साथ बोल दो गुड मॉर्निंग सर मैं कितनी बार बताऊं मेरे मुंह में छाले पड़े हैं मैं नहीं बोल सकता सर ये दुनिया भर की बकवास कर सकता है लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता समझ में कह तो रहा है सर कि उसके मुंह में छाले हो गए हैं Listen, tomorrow morning we would like to have two separate rooms. आजाओ आजाओ. Could you please arrange that for us? दोस्त का शानदार resort. Please be seated. I'll be back in a moment. Yeah. Okay. Thank you. Sure. जाओ. कैसे हो दोस्त? बिल्कुल ठीक हूँ. पिछली बार जब तुम आए थे, तो तुमने कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए यहीं पर आऊँगा. आखिर तुम आ ही गए. I'm so happy for you. अच्छा दोस्त तुमने मुझसे सी फेसिंग रूम मांगा था ना वही मिलेगा ताकि रात को तुम अपनी धड़कनों के साथ लहरों की आवाज भी सुन सको सी फेसिंग रूम मेरे लिए नहीं 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 वो ना तुम इन दोनों को दे दो हम साथ रहने या हनीमून मनाने नहीं आए अलग अलग रूम दीजिए सुनिए एक काम करिए सी फेसिंग रूम हमें दे दीजिए हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं छोड़ उसका हाथ मैडम मेरे चार्ट के हिसाब से ये दोनों तीन दिनों तक हनीमून नहीं मना सकते पर इस गधे को ये बात समझ नहीं आती एक काम करो इसे तुम अपने रूम में ले जाओ उस रूम का किराया मैं दे दूंगा उसकी चिंता मत करना देखिए और तुम मेरे साथ चलो मैं इतना नहीं रुक सकता यहाँ टॉयलेट कहाँ पर है हेलो मैं टॉयलेट की बात नहीं कर रहा मेरा मतलब कुछ और है वो बात तुम्हारे भेजे में बिल्कुल नहीं आने वाली मैं इससे दूर नहीं रह सकता और ना ही ये रह सकती है ज्यादा चू चपड़ की ना तो खचाक 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 करके फेंक दूंगा बात करता है तो हमें एक रूम इनके लिए एक रूम इनके लिए और एक रूम मुझे चाहिए रुको, मैं तो कुछ करता हूं। तीन रूम दे दो ठीक है अच्छा सुनो नाम और एड्रेस लिख दो अभी लिखता हूँ तुम लोग जाओ हम साथ ही रहेंगे बेबी ये सब चल क्या रहा है शादी में रुकावट तो सुना था पर हनीमून में रुकावट पहली बार देख रहा हूँ ये ना लव स्टोरी चल रही है मेरे भाई हीरो की जगह विलेन ने ले ली है बाद में समझाऊंगा ओके ओके हे मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम जल्दी से ऊपर आ जाना जल्दी आ जाना अरे यार मुझे इसकी नीयत खराब लग रही है देखो हमारे बेड अलग अलग लगाना और एक तो बाहर ही लगा देना इसका कोई भरोसा नहीं पता नहीं रात को इसमें कोई भूत भूत आ गया तो मन कर रहा है अपने बाल नोच लूं